ओम शांति। 8 मार्च 2024 की साकार मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न, बाप को सब बच्चे नंबर वार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सोचता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नजर फूलों तरफ जाती है, जो खुशबूदार फूल होते हैं ना, बाबा की नजर ऐसे सेवाधारी बच्चों की तरफ जाते हैं। कहेंगे, फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है, ये आत्मा जहाँ सर्विस देखती भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं, शरीर भी याद पड़ता है तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बिगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता, समझा जाता है ये आत्मा अच्छी है, ये बाह्य मुखी है, ये इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, ये उस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है, बताने की आत्मा को याद किया जाता है, बताने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है। इनका बुद्धियोग बाबा के साथ है, इनमें ये गुण है, पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा, क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना, फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वह याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है, महिमा आत्मा की ही की जाती है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है। पहले तो शरीर याद आता है, बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है, शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो, इस दादा के शरीर में शिव बाबा आता है, जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं, हम कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें? बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं, याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है, पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है, जरूर शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में ये गुण है, बाबा भी देखते रहते हैं, कौन मुझे याद करते हैं, इसमें बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। फूलों से सबका प्यार होता है, गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं। बाप की नजर फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे, फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है, आत्माभिमान में रहे बाप को याद करते रहते हैं, जहां सर्विस देखते हैं वहां भागते हैं। फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो किसको याद करते होंगे? शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा याद आता होगा, इसमें शिव बाबा है, क्योंकि बाप तो भी नीचे आ गया है, ब्रह्मा बाबा के रथ में आते हैं,
मुरली चलाने नीचे आए हैं। इनका अपने घर में तो कोई काम ही नहीं होगा, वहां जाकर क्या करेंगे? इस दल में ही प्रवेश करते हैं तो पहले जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है ये अनन्य अच्छी है, इनको सर्विस फिगर कुछ सूझता नहीं है, बहुत मीठी है। बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं, फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होंगी। जब बहुत याद करती है तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं, कभी कभी वह आंसू गिर भी पड़ते हैं। बाबा को और धंधा क्या है, सबको याद करते हैं। बहुत बच्चियां याद आती है, फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती, किसको सुख नहीं देती कि अपना ही कल्याण नहीं करती। बाप तो यही जांच करते रहेंगे, याद करना माना सकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे, ये भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। आत्मा तो है छोटी बिंदी, साक्षात्कार करे तो भी कोई समझ न सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, बाबा भी देखते हैं, ये बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, ये इतना नहीं तो पद भी कम होगा। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही ऊंच कर पाते हैं, वह भी जो बाप को याद करते रहते हैं। ब्राह्मण से ट्रांसफर को देवता बनते हैं, यह वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं। यह दैवी कुल, यह दैवी फूल है या आसुरी फूल है, फूल तो सब है परंतु वैरायटी बहुत है। बाबा भी याद करते रहते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना, ये कम पड़ते हैं। दिल में तो समझेंगे ना कि बाप भी है टीचर भी है, बाप तो है ही है, टीचर पने का जास्ती चलता है, टीचर को तो रोज पढ़ाना है। इस पढ़ाई की ताकत से ये पद पाते हैं। सुबह को तो तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, वह सब्जेक्ट है याद की, फिर मुरली चलती है, वह है पढ़ाई की सब्जेक्ट, अमृत वेला याद की सब्जेक्ट, फिर मुरली है पढ़ाई की सब्जेक्ट, मुख्य है ही योग और पढ़ाई। उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है, ये ज्ञान विज्ञान भवन है जहाँ बाप आकर सिखलाते हैं। ज्ञान से सारे सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो जिससे तुम पावन बन जाते हो, तुमको अर्थ का पता है। बाप बच्चों को देखते रहते हैं, देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे, ऐसे नहीं सबके भूत फट से निकल जाएंगे। हिसाब किताब जब चुकतु हो फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होते हैं, इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है, ना फर्क है। वह कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगमयुगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम संगमयुगी है, पुरुषोत्तम बनाने लिए बाप को आना पड़ता है, तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगमयुग है, बाकी सब घोर अंधियारे में है। भक्ति को वह बहुत अच्छा समझते हैं,
ज्ञान का उनको मालूम ही नहीं है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, तब तुम समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं, फिर वहां ज्ञान की बात भी नहीं होगी। ये सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर धारण कर और सुनाते रहेंगे। बाकी तो यहां से निकले और खलास। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं। ये है कल्प का संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया स्थापन होनी है। विनाश सामने खड़ा है। तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुष्यों के लिए कलयुग चल रहा है। इतना घोर अंधियारा है, गिरते ही रहते हैं। कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा, वह है रावण। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। अगर कोई छिपकर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है, एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झट पता पड़ेगा। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा। 100 गुना दंड पड़ जाएगा, अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हैं हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है। उनको क्या पड़ी है, जो करेगा सो पाएगा। पतित आया तो उसकी करनी, हमको जानने की जरूरत नहीं। बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच तो बिठो नच, सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे। बाप है ही ट्रुथ अर्थात सत्य, बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है, कहते हैं इसमें है। परमधाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए, उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है, संदेशियों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। है तो यहाँ ही, वहां तो कोई सर्विस नहीं। सर्विस बिगर बाबा को सुख ना आए। सारी दुनिया की सर्विस करनी है। सब पुकारते हैं बाबा आओ, कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी है। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे, ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का। देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती है, और सिवाय बाप के ये बातें और कोई समझा भी नहीं सकते हैं। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया, गुरु तो बहुत किए, कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। बाप कहते हैं शांति का सागर तो एक बाप ही है, वह तो साथ ले जाते हैं। सुख धाम शांति धाम का किसको पता ही नहीं है। युग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर है ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। वहां तो सुनते हैं, बाबा कहते ये वर्णों का भी हमारे सिवाय तो किसी से पता ही, किसी को पता ही नहीं ना पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण वर्ण। यहाँ तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं, धारणा होती नहीं। बाप कहते हैं कहाँ भी जाते हो बैज पड़ा हो, इसमें लज्जा की बात नहीं है। ये तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है, इसको भी समझा कर दो। कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है, वह धारण कर ले तो ऊंच पद पा सकते हैं।
गरीब के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे? कोई के पास पैसे है परंतु मनहूस है। इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया ब्रह्मा बाबा ने। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो ये ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। अंतकांश स्त्री सिमरे, बड़ी बिल्डिंग शादी होगी तो अवश्य याद पड़ेंगी, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे। पाप तो है ही गरीब निवास। कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो भी मनहूस होते हैं। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है। भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में ही भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है ना। भक्ति करते हैं तो ईश्वर अर्थ देते हैं। क्या वो कंगाल है जो उनको देते हैं? समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवज में देंगे। दूसरे जन्म में तो मिलता है मार्ग का, अगले जन्म में एक जन्म में मिलता है। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। ये सब कुछ आपका है। इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, वो तो कैसे एक सेकेंड में छूटता है? काले से गोरे कैसे बनते हैं ये सब तुम ही जानते हो, फिर औरों को समझाते हो। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं परंतु किसको समझा नहीं सकते हैं, वह तो भी कोई काम के नहीं। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, वह सबको देते जाओ तो भारत पर वह सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, तो कैसे छूटे? ये तो बाप है ना, शिव बाबा तो बाप है ना। बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरी पॉइंट, बाप जो अविनाशी रत्न देते हैं वो सबको बांटने हैं। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है। इसमें मनहूस नहीं बने। वरदान है बिंदु और बूंद के महत्व को समझ, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विश्लेषण, शिव परमात्मा की पूजा, शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा परमात्मा और प्रकृति का ये खेल अर्थात ड्रामा, तीनों तीनों का ज्ञान, आत्मा परमात्मा प्रकृति का ये खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है।
रूहरिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। स्लोगन, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। आज का व्यक्ति इशारा, भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के लिए, भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के पहले वर्तमान समय बेगमपुर के बादशाह हो, अर्थात संकल्प में भी गम व दुख की लहर न, क्योंकि दुख धाम से निकल अब संगम पर खड़े हो। बेगमपुर का बादशाह अर्थात सर्व खुशियों के खजाने का मालिक। खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है, पाना था सो पा लिया, इसी नशे और खुशी में रहो। पाना था सो पा लिया, इसी नशे और खुशी में रहो। आज का सम्मान, मैं सर्व खुशियों के खजाने का मालिक हूँ, मैं सर्व खजाने के खुशियों का मालिक हूँ, मैं सर्व खुशियों के खजाने का मालिक हूँ। इसी सुमान को लिखेंगे और अभ्यास करेंगे, मैं सर्व खुशियों के खजाने का मालिक हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 9:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 5:45 बजे। ओम शांति। शुभ दिवस।